बिहार में लगातार मुखिया की हो रही हत्या के बाद सहरसा के मुखिया अब खौफ में जी रहे हैं। कब किस मुखिया की हत्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ दिन पूर्व सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के खजुरी पंचायत के मुखिया रंजीत शाह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जिले के मुखिया दहशत में है। दिवंगत मुखिया रंजीत शाह के परिजन से मुलाकात करने के लिए 70 कटैया प्रखंड के मुखिया शिष्टमंडल की टीम पहुंची। मुखिया के परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान भी की। बाद में मीडिया से बात करने के दौरान बिशनपुर पंचायत के मुखिया सरोज यादव ने बताया कि बिहार में मुखिया की लगातार हत्या हो रही है। कुल 9 मुखिया की हत्या अब तक हो चुकी है। बिहार में तमाम मुखिया खौफ में जी रहे हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में मुखिया को मिलने वाली सुरक्षा सिर्फ कागजी स्तर पर ही रह गई है। धरातल पर उसका कोई उपयोग सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जी, कुछ सोचे क्या कि सहयोग मतलब इस दुख के घड़ी में कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम लोग एक भाई खो चुके हैं, हम लोग एक मुखिया को खो चुके हैं, इन्होंने अपने परिवार को खो चुका है। इससे जो है ये जो हत्या है, पूरा समाज मुखिया जितना भी है सब सहमे हुआ है। हम बिहार पंचायत के मुखिया हैं प्रदेश कुमार पासवान, और यहाँ जो आए हुए हैं जो मेरे बड़े भाई रंजीत कुमार शाह, जिनका घटना हुआ है, एक निंदीय घटना है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और सरकार से हम अपील करते हैं, सत्रकटिया प्रखंड के जितना भी मुखिया हैं उनके तरफ से अपील करते हैं कि इनके परिजन को जो सरकारी व्यवस्था है उसके तहत उनको जो मिलना चाहिए वह दिया जाए, और जितना भी अभी मुखिया हैं उनका सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि जितना भी बाकी अभी जनप्रतिनिधि है उनके साथ ही घटना ना हो। मेरा नाम प्रदीप कुमार ठाकुर है, 70 कटैया प्रखंड के बरसेल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है। यह बहुत बड़ा दुखद घटना है। यहाँ हमारा एक भाई, एक दोस्त, एक युवा साथी यहाँ हो गया है। उनकी दुर्घटना नहीं कही है, उनकी हत्या हो गई है। इसकी हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस केस की स्पीडी ट्रायल कर जल्द से जल्द जो दोषी है उसको सजा दे। क्या नाम है? प्रदीप कुमार ठाकुर। बता दें कि पिछले दिनों बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी मुखिया को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसको लेकर मुखिया में नाराजगी है और डर दोनों ही देखा जा रहा है। सहरसा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।